नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण का एक अंश दिखाता हूँ। देश के तन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूँ, अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। तो सुना आपने, मोदी जी की इन्हीं बातों पर अमल करते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का सेलिब्रेशन अपने पैतृक गांव गुजरात के जामनगर में करके साबित कर दिया कि भारत में भी ऐसा जश्न मनाया जा सकता है जिसे दुनिया भर के लोग हमेशा याद रखेंगे। 3 दिन का ये जश्न भले ही खत्म हो गया है, दुनिया के कोने कोने से आए मेहमान भी वापस लौट गए हैं, लेकिन इस जश्न को दुनिया ने अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की जो झलकियाँ देखी सुनी वो हमेशा याद की जाएंगी। दुनिया के कोने कोने से मेहमान बुलाए गए थे, चाहे वो कारोबारी जगत में फेसबुक मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हों या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। इसके अलावा हॉलीवुड बॉलीवुड के कई सितारों का भी जमघट लगा हुआ था। जामनगर में सिर्फ 3 दिन में करीब 300 विमानों का मूवमेंट हुआ। उद्योगपतियों में अडानी से लेकर पीरामल तक और बिड़ला से लेकर टाटा तक सभी आशीर्वाद देने पहुँचे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने मेहमानों के स्वागत और आवभगत में कितने हजार लोगों को रोजगार मिला होगा। इसके 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आपको बताता हूँ। मेहमानों के स्वागत और उनके उपहार के लिए सनराइज संस्था को फैंसी कैंडल बनाने का लाखों रुपए का ऑर्डर दिया गया। इस संस्था में दिव्यांग लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ नीता अंबानी ने बांधनी रस्म के लिए खास दुपट्टे बनाने का काम कच्छ और लालपुर की कुशल कारीगर जो महिलाएं थी उनको दिया। बड़े प्यार और विरासत के धागों में सैकड़ों महिलाओं ने इसे बनाया। इतना ही नहीं, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में एक विशाल मंदिर परिसर के भीतर छोटे छोटे नए मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। सैकड़ों शिल्पकारों को रोजगार के साथ उनकी कला को प्रदर्शित करने का भी ये एक मौका मिला। दोस्तों, इस प्री वेडिंग फंक्शन में भारतीय परंपराओं का खास ध्यान रखा गया। साथ ही परिवार ने अतिथि देवो भव की राह पर चलते हुए सभी लोगों को बड़े प्यार और सत्कार के साथ भोजन परोसा। इस आदर और सत्कार ने साबित कर दिया कि उनके लिए मेहमान किसी भगवान से कम नहीं है। इस सेलिब्रेशन ने प्रधानमंत्री की उस बात को भी चरितार्थ कर दिया कि अगर लोग शादी का जश्न भारत की धरती पर मनाएंगे तो अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा और अपने ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आइए आप और हम भी बदलते भारत की इस तस्वीर में कुछ और रंग भरकर इसे और अधिक खूबसूरत बनाएं। किसी ने ठीक कहा है, जश्न वो नहीं जो दिखावे पर खर्च हो जाए, जश्न वो है जो तुम्हें इंसानियत दिखाए। नमस्कार।